अब ये मशीन है जो जीरो टीलेज बहु फसलीय बुआई यंत्र, जिसको हम मल्टी क्रॉप के से नाम से जानते हैं। इस मशीन से हम बीज से बीज की दूरी भी बनाते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी बनाते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि सारा मशीन में फंक्शन वही है, ड्राइव व्हील है, डेप्थ कंट्रोल सीड डेप्थ कंट्रोल व्हील है और ये 11 लाइन में बुआई करता है। और इसमें हम मक्का की बुआई करते हैं, धान की बुआई करते हैं, अरहर की बुआई करते हैं, चना की बुआई करते हैं, जिसमें हम बीज को बीज से दूरी बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे पिनियन लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए M लिखा हुआ है। M का मतलब होता है जैसे इसमें गराड़ी लगा हुआ है, बीज का जो लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें कि इसमें एक ही दाना आए, जैसे चना हो या मक्का हो, तो इस ढंग से अगर इसमें जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पिनियन को, जैसे यहाँ पर L साइज का पिनियन लगा हुआ है, जैसे इस ढंग से किसान भाई इसको खोल लेंगे। अब ये L L टाइप का ये L है और ये पिनियन M है। इसमें स्मॉल साइज का भी पिनियन आ सकता है, जो हमारा स्मॉल साइज, यानी देख रहे हैं कि इसमें गराड़ी छोटा है और ये बड़ा है। अगर कोई बड़ा दाना का अगर बीज है तो हम M साइज का लगाएंगे, मीडियम, और अगर L है तो L देखिए छोटा है इस ढंग से। और S अगर आता होगा कंपनी में तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो इस ढंग से इस पिनियन को हम यहाँ सेट करते हैं। सेट करने के बाद इसमें हम ऐसे वाशर लगा देते हैं, बहुत लगाना आसान है, और हम इसको इस ढंग से इसको हम टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद यहाँ पर एक ब्रश हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा बीज जो है आगे की ओर बिना गिरे ना चल जाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस बॉक्स के इधर हम बीज देते हैं और यहाँ अंदर से बीज ये यहाँ पहुँचता है। यहाँ पहुँचने के बाद अब यहाँ पर अगर आधा बीज इसमें भरा हुआ रहता है तो पिनियन चलते चलते यहाँ पर जो है जब पहुँचता है तब यहाँ से ये ब्रश के सहारे जो है दाना जो है अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक कीप लगा हुआ है, कीप के सहारे ट्यूब में, सीड ट्यूब में जाता है और सीड ट्यूब के सहारे फर्रो ओपनर में बीज गिरता है। इसमें क्या होता है कि लाइन अगर इस टाइप से अगर यहाँ बीज गिरा हुआ है तो एक दाना यहाँ गिरेगा और एक दाना यहाँ गिरेगा। इस ढंग से बुआई यहाँ पर होता है, यहाँ पर इस ढंग से होता है। इसमें क्या है कि बीज से बीज की दूरी बना हुआ है और लाइन से लाइन की दूरी, आपको जितना रखना है आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन से लाइन की दूरी हम रख लिए और बीज की बीज से बीज की दूरी भी इसमें हो गया।